विचार चल रहा है। न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः न मोक्ष और न वही मुक्त इत्येषा परमार्थता। श्लोकार्थ हो गया था, फिर विचार आरंभ करते हैं। कथम उत्पत्ति प्रलय और अभाव इत्युच्यते है, उत्पत्ति प्रलय का अभाव है आपने यह किस प्रकार कह दिया, इस पर जवाब देते हैं। द्वैतस्य सत्वात्, द्वैत का मिथ्यात्व होने से तदंतपाद उत्पत्ति और प्रलय आदि भी नहीं रह गया। कहते वैसा पता चला द्वैत नहीं है, क्योंकि वृदानगर प्रसाद में लिखा यत्र ही द्वैतम यो भवती तत्र भयम भवती। वृदान्य 2, 4, 14, जहां द्वैत के समान भी हो जाए, जहां यहां पर द्वैत की भांति भी देखने लग जाए कुछ भी, तो अब भय का कारण बन जाता है और आत्मा तो अभय रूप है। यह नाने व पश्यति, वृदान्य 4, 4, 19 और एक अठो परिषद में भी है 2, 1, 10, जो यहां भेद के समान भी देखने लग जाता है, जो यहां पर भेद के समान यह नाना इव पश्यति, भेद के समान भी देखने लगता है इस आत्मा के विषय में। निश्चित रूप ऐसा मृत्यु हो मृत्यु वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा, घोर अविद्या में पड़ा रहेगा। आत्मैव इदं सर्वं, छांदोग्य 7:25-2, यह सब कुछ आत्मा ही है। जो कुछ भी दिखाई देता है वह अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। जो दिखाई देता है वह भ्रांति है, जो अधिष्ठान है वह सत्य है। अधिष्ठान आत्मा है, ब्रह्म है, वही सत्य है, बाकी सब जो दिख रहे वो भ्रांति है। ब्रह्मैव इदं सर्वं, नारायण उपनिषद 7वां मंत्र, यह सब ब्रह्म ही है। एकमेव द्वितीयं, छांदोग्य 6:1, एक ही अद्वितीय ब्रह्म है। इदं सर्वं यदयं आत्मा 2, 4, 6 और 4, 5, 7 बृहदारण्यक, इदं सर्वं वह जो कुछ है सब आत्मा ही है। यद अयम आत्मा, इदं सर्वं यद, यह जो कुछ है वो क्या है, अयम आत्मा, यह आत्मा ही है। इत्यादि नाना श्रुति भी द्वैतस्य असत्त्वं सिद्धम, इत्यादि नाना श्रुतियों से द्वैत का असत्व ही सिद्ध हो गया। सतो ही उत्पत्ति प्रलय वा स्यात् ना सत शेषाण आदि है। संसार में किसी विद्यमान वस्तु, किसी विद्यमान वस्तु का ही उत्पत्ति और प्रलय देखने को मिलता है। शशिभूषण आदि जो अत्यंत असत है, खपुष्प आदि, उनकी उत्पत्ति और प्रलय नहीं दिखाई देता। ना सत असत वस्तुओं का नहीं देखने को मिलता। सतसर विद्यमान से, यानी कि परमार सत्य कोई सत ऐसा नहीं लेना, सत मन विद्यमान से, विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति का विचार होता है और उसके नाश संबंधी प्रलय का विचार होता है। अविद्यमान वस्तु का नाश या उत्पत्ति या कोई चीज का विचार नहीं होता, जैसे कि शिशुभूषण आदियों का। तो प्रश्न उठता है फिर, क्या द्वैत में उत्पन्न होता है, द्वैत उत्पन्न होता है क्या, और अद्वैत का प्रलय होता है? यदि द्वैत में या द्वैत का प्रलय या उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि द्वैत ही नहीं है, इसे अद्वैत है, तो अद्वैत में फिर मानना पड़ेगा उत्पत्ति प्रलय, या द्वैत का ही उत्पत्ति प्रलय मानने पड़ जाएगी। आपके द्वैत उत्पत्ति लिए सिद्धांत कहते नहीं भाई, अद्वैत की ना तो उत्पत्ति हो सकती है न प्रलय। फिर जो दिख रहा उत्पत्ति प्रलय कहाँ है, सह पाप के अध्यास में, माया में आध्यासिक उत्पत्ति प्रलय आदि दर्शन हो रहा है। अद्वयं चोत्पत्ति प्रलय वच्चेति विप्रतिषिद्धम, क्योंकि परस्पर विरोधी बात हो जाएगी। एक तरफ करे अद्वैत है, दूसरी तरफ करे उत्पत्ति प्रलय भी होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? यदि विप्रतिषिद्धम स्यात्, यस्तु पुनर्द्वैत संव्यवहार स रज्जु संबद्ध आत्मनि प्राणादि लक्षण कल्पित इत्युक्तम। व्यावहारिक द्वैत को स्वीकार करते जो मानते हैं लोग, उनके लिए भी जवाब देते, वास्तव में वह उत्पत्ति प्रलय भी नहीं मानी जा सकती, कोई व्यावहारिक नाम की चीजें ही नहीं है। व्यावहारिक सत्ता जो समझाने के लिए मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में व्यावहारिक सत्ता नाम का चीज ही नहीं। इसलिए तो यस्तु
साष्टांग दूर करते हुए कहते यस्तु पुनर्द्वैत संवार सर रज्जु सर्पवद, वो रज्जु में परिकल्पित सर्प के समान है, आत्मनि आत्मा में ही हो रहा है, प्राणादि लक्षण कल्पित इत्युक्तम, प्राणादि रूपा जो है जो कुछ द्वैत संव्यवहार है वह आत्मा में कल्पित है, ये सर्जु में सर्प कल्पित है, यह बात हम पूर्व में ही सब कारिकाओं को समझाते वक्त बता चुके हैं। नहीं मनोविकल्पना यहाँ रज्जु सर्पा लक्षणा यहाँ रज्वाम प्रलय उत्पत्तिर्वा, वास्तव में मन का विकल्प रूपा मात्र जो है रज्जु में दिखाई दिया सर्प, वह रज्जु में न तो वास्तु उत्पन्न हुआ है न तो रज्जु में वास्तु उसका नाश हुआ है, केवल मनोविकल्पना मात्र मन परिणाम रूप मात्र है, वो मन का परिणाम स्वरूप मात्र ही है वो रज्जु सर्पादि रूपा रज्वाम प्रलय उत्पत्तिर्वा, नहीं इसे उनका रज्जु में न प्रलय होता है न उत्पत्ति ही मानी जा सकती है। उसी प्रकार इस आत्मा में दिखाई देता हुआ द्वैत का भी न उत्पत्ति है न प्रलय है, केवल मन का एक भ्रांति मात्र है, इन्हें भ्रांति भी परेशान कर देता है लोगों को, घबरा जाते हैं। और भगवान गीता में कहते गुरुणाप न विचार लेते, गुरुणाप दुख्य न विचार, विचलित नहीं होना, जैसा भी आए स्थिति ये भी एक दृश्य, आगम आपान नित्यता से सच स्वभाव भी जाएगा जाएगा, ये भी एक लार है, यह भी एक दृश्य, ऐसा जैसे पर्दे में एक के बाद दृश्य आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, और आप एक दृष्टा साक्षी भाव में देख रहे हैं, आप पर से कोई असर नहीं होनी चाहिए, अधिकतर होता भी नहीं है, देखते रहते हैं ठीक है ठीक है, कभी कभी उसे थोड़ा रस आस्वादन कर लेते हैं तो थोड़ा लगता है हार रहे हैं जीत रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं क्रिकेट वगैरह में लोग देखते हैं थोड़ा उद्विग्नता में आ जाते हैं या खिन्न हो जाते हैं हार रहे हैं, और कोई घटना ये क्या हो गया ऐसे देखते हैं, कभी कभी थोड़ा तादात्म्य हो जाता है ना दृश्य में तो गड़बड़ी होती है, नहीं तो आप देख रहे हो रहा है ठीक है चल रहा है जानते हैं, ये भी ऐसे ही होता है कई बार, अरे ये तो राजनीति ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसी खबर आते रहते हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि आप जानते हैं ये सब दृश्य ऐसे ही होते रहते हैं। अब जिस प्रकार से पर्दे में देख रहे हैं उसको टीवी का स्क्रीन में दिखा देते उस चीज को मानते हो, उसी और अपने जीवन के सामने होता हुआ जीवन को और जीवन के साथ होता हुआ सारी चीजों को भी एक दृश्य रूप में देखते हुए साक्षी भाव स्थित होकर के, ये भी आता जाता हुआ दृश्य, एक और आएगा एक और आएगा उल्टा सीधा, अच्छा भी आता है खराब भी आता है चलते रहता है, ऐसा दृढ़ निश्चय के साथ चलना चाहिए, और ये भी मन का विकल्पना है, और दूसरों को दोष भी क्यों देना अगर अपने ही मन की विकल्पना है, ये भी अपने ही मन जो है किसी प्रार करवशात ऐसा विकल्प अब देख रहा है, अब वही पैदा क्यों विकल्प है, यह कठिन होती है ना ये कल्प में मानने बड़ा कठिनाई होती है, अपने ही कर्मों की वजह से ऐसे सब जुड़ जाते घटनाएं बन जाती हैं, लोग जुड़ते हैं कहते ना ये सब ऋणानुबंध, ऋणानुबंध का है सिर्फ कि पिछले जन्मों का कोई ऋण है लेन देन बाकी है, अनेक प्रकार की लेन देन है उसकी पूर्ति करने के लिए अनेक निमित्त बन जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं लोग, तो संयोग और वियोग ये संसार का नियम ही है, कुछ दिन तक संयोग है फिर वियोग हो जाएगा, फिर वियुक्त है तो फिर कोई और संयोग हो जाएगा, ये संयोग वियोग चक्कर चलते रहता है। नच मन से रज्ज सर्प से उत्पत्ति प्रलयोवा, और न रज्जु में पैदा हुआ इतना ही नहीं मन में भी वास्तव में पैदा नहीं हुआ सर्प, न वहां रज्जु में पैदा हुआ है सांप न यहां मन में ही पैदा हुआ है, न च मन से रज्जु सर्प से उत्पत्ति प्रलय हुआ न च उभय तो हुआ, और दोनों जगह हो गया ऐसा भी नहीं कह सकते, मन और रज्जु दोनों में ही उत्पन्न हुआ दोनों में ही प्रलय हो गया ये भी नहीं है, केवल रज्जु में भी नहीं केवल मन में भी नहीं उभय में भी नहीं है, कहां केवल अविद्या में माया में आध्यासिक है, इसे रज्जु का आवरणात्मक जो विद्या है अविद्या में संरक्षित चल रहा है, वह रज्जु रूपये अधिष्ठान में भी हम लोग मानते आवरण मान लेते अविद्या के, लेकिन अविद्या रज्जु में भी नहीं है ना, आवरणात्मक है भंग हो जाता है, न वहां है न यहाँ है बीच में लटका है, एक अविद्या नाम की इसलिए मान ली गई है जिसमें दिख रहा है, तथा मानसत्व विशेषाद्वैतस्य, इसी प्रकार से यह द्वैत जो है मानसत्व माने मानस वृत्ति तो अविशेषात जैसा रज्जु के सर्प संबंधी मानस वृत्ति है उसी प्रकार से द्वैत संबंधी मानस वृत्ति समान होने के नाते यह द्वैत भी रज्जु सर्प के समान
मिथ्या ही है, न ये मन में है न आत्मा में है। आत्मा में भी नहीं है, मन में भी नहीं है, मन और आत्मा के बीच में एक आवरण जैसा, पर्दा जैसा जो अविद्या है, माया है, उसी में केवल झूठा दिखाई दे रहा है। और वास्तव में मन ही नहीं है ना। अजातवाद में पहुंचते हैं, ये तो हो गया। सृष्टि दृष्टिवाद नहीं है, दृष्टि सृष्टिवाद जैसे प्रातिभाषिक सत्ता है, तो मन को दिखता है बस, एक अधिष्ठान है, इधर मन है, ये जैसा दृष्टि डाला, जैसा संकल्प किया, जैसी विकल्प बना गया, वैसे दिखाई दे दिया, ये दृष्टि सृष्टिवाद गलत हो गया। और अजातवाद में आते हैं तो न मन है, न वज्जु में है, न कोई चीज, वो भी बात उठाएगा आगे पूर्व पक्ष, अभी शुरू होगा शास्त्रार्थ। नहीं नियते मन से सुषुप्ते द्वैतं गृह्यते, कि संसार में देख गया समाधि के निरुद्ध जो नियत मन, संयत जो मन है, उस मन में समाधि अवस्था का मन में, समाधि अवस्था का मन में और सुषुप्ति काल में भी द्वैत ग्रहण नहीं होता, नहीं गृह्यते। अतो मनोविकल्पना मात्र द्वैतम इति सिद्धम, इसे एक मानस वृत्ति विशेष मात्र द्वैत है, यह बात सिद्ध हो गया। तस्मा सुक्तम द्वैतस्य सत्वात् निरोध्यते भवः परमार्थता इति, इसे बिल्कुल सही कहा गया है कि द्वैत का जो असत्व है, असत होने से निरोध आदि का जो अभाव है, यही पारमार्थिक स्वरूप है आत्मा का, ब्रह्म का, यह जो कहा गया वो सुष्टोक्तम। यदि एवं पूर्व पक्ष कहता है, यदि एवं द्वैताभावे शास्त्र व्यापारो नाद्वैते विरोधात्, फिर यह मानना पड़ेगा भाई सकल शास्त्र का व्यापार द्वैताभाव में ही है, द्वैताभाव की सिद्धि में, पूरे शास्त्र कहीं अद्वैत सिद्ध हो ही नहीं रहा है, इसका किसी भी शास्त्र से अद्वैत सिद्ध ही नहीं होता है। क्योंकि आपने जितने भी शास्त्र दिए, एकमेव द्वितीयम भी ले लिया, सारे चीज ब्रह्मविदम आत्मविदम सब चीज ले लिए हैं, ये सारे शास्त्र से क्या सिद्ध हुआ था, द्वैत का भाव सिद्ध हुआ। अर्थात सकल शास्त्रों का व्यवहार केवल द्वैता भाव सिद्धि में ही क्षीण हो गया, तो अद्वैत कौन सिद्ध करेगा, ना अद्वैत, अद्वैत में अद्वैत सिद्धि में शास्त्र व्यवहार होगा ही नहीं, क्योंकि विरोधात् कर दिया, विरोधात् द्वैताभाव का प्रतिपादनात्मक प्रयोजन वाला ही है शास्त्र व्यापार। तो समस्त शास्त्र व्यापार का प्रयोजन क्या है, द्वैताभाव का प्रतिपादन मात्र करना, अद्वैत का प्रतिपादन में इसका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई इसके शास्त्र व्यापार का कोई प्रयोजन नहीं मानते हैं, कि भावाभाव परस्पर विरोध हो जाता है, क्योंकि अद्वैत और शास्त्र व्यवहार परस्पर विरुद्ध है, कि शास्त्र व्यवहार में द्वैत की अपेक्षा है, वक्ता है, आचार्य है, शिष्य सुनने वाला, शास्त्र है, शास्ता शिष्य शास्त्र रूपी त्रिपुटी है, यहाँ त्रिपुटी तो द्वैत है, अद्वैत और द्वैत के ऊपर से विरोध है, शास्त्र व्यवहार ही द्वैतात्मक है और उसने अपना द्वैत को ही नष्ट कर डाला, द्वैत के अभाव स्थिति में लग गया शास्त्र, पर अद्वैत कौन सिद्ध कर सकता है। भावाभाव प्रबोधन असंभवात, भाव का भी प्रबोधन कर दे, अभाव का भी प्रबोधन कर दे, दोनों बोध करावे, शास्त्र ऐसा नहीं हो सकता। या तो शास्त्र द्वैत को कथन करेगा या द्वैत के अभाव अद्वैत को कथन करेगा। यदि आप कहते द्वैत अभाव का कथन कर रहा है, मैंने फिर वो अद्वैत कथन नहीं कर सकता, क्यों, अद्वैत क्या है, भाव है, अद्वैत क्या है, भाव है, और द्वैताभाव अभाव रूपा है। इसे यदि द्वैताभाव का कथन कर रहा है शास्त्र, मैंने किसी अन्य भाव का कथन कर नहीं सकता, एक वाक्य का एक ही ना अर्थ होगा, या तो वाक्य किसी भाव पदार्थ का कथन करेगा या किसी अभाव पदार्थ का, जैसे घटो अस्ति तो भाव का ही कथन करेगा, घटो नास्ति या भाव का ही कथन करेगा, ये तो है नहीं कि घटो नास्ति दोनों बात कर दे, भाव और अभाव दोनों को बोध करा देता है, या घटो अस्ति भाव और अभाव दोनों को बोध करा देगा, ऐसे नहीं हो सकता। इसी प्रकार शास्त्र वाक्य भी है, एकमेव अद्वितीयम हो चाहे हम ब्रह्मास्मि हो चाहे कोई भी वाक्य है, ये भी क्या करेंगे, या तो ये द्वैताभाव को सिद्ध करते हैं या तो अद्वैत रूपी भाव की सिद्धि करेंगे, क्योंकि भाव का सिद्धि जहां हो जिस वाक्य से होता है, उस वाक्य से अभाव की सिद्धि नहीं हो सकती, जिस वाक्य से अभाव की सिद्धि हो रही हो वहां पर उस वाक्य से भाव की सिद्धि आप नहीं कर सकते,
के भाव और अभाव परस्पर अत्यंत विरुद्ध होने से एक वाक्य से दोनों ही बातें परस्पर युक्त होकर के सिद्ध नहीं हो सकते हैं। तथा च सती अद्वैत से वस्तुत्व प्रमाणाभावात शून्यवाद प्रसंग स्यात्। यदि ऐसा आप मान लेते हो फिर तो अद्वैत का वस्तुत्व होने वस्तु के रूप में स्वीकार करने में प्रमाण ही नहीं रह गया, अतः शून्यवाद की प्रसक्ति हो जाएगी। द्वैत से च अभावात और द्वैत भी तो है नहीं, द्वैत भी नहीं रहा और अद्वैत भी गया, शून्यवाद हो गया। शास्त्रों ने द्वैत को खत्म कर दी और अद्वैत किसी प्रमाण से सिद्ध हो नहीं हुआ नहीं, कौन से प्रमाण सिद्ध करोगे? सर्वोत्कृष्ट प्रमाण आपका शास्त्र था, वो अद्वैत को सिद्ध नहीं करता, वो तो अद्वैत के अभाव को सिद्ध कर, अभाव को सिद्ध करने में लग गया है तो कोई भाव को सिद्ध नहीं कर सकता। तो अतः अद्वैत रूपी भाव पदार्थ को शास्त्र से सिद्ध नहीं करेगा तो और कौन सा प्रमाण सिद्ध करेगा? और कोई प्रमाण से आप अद्वैत रूपी भाव को सिद्ध नहीं कर सकते? इधर द्वैत का अभाव हो गया है और बचा क्या? इसीलिए शून्य। तो शून्यवाद की प्रसक्ति हो जाएगी थी चेत न, तो सिद्धांत कहता है ऐसा मत कहो। न प्रमाणिक शून्यवाद युक्त, अप्रमाणिक शून्यवाद युक्त है ऐसा भी, क्योंकि हम फिर कहते ठीक है मान लो शास्त्रों से द्वैत का अभाव सिद्ध हो गया और अद्वैत को सिद्ध करने लो कोई प्रमाण नहीं रहा, इतने से शून्यवाद कैसे आ गया? ये कहां से टपक गया? पूछो उसे भाई, हमारे पास शास्त्र रूपी प्रमाण है, इस प्रमाण ने क्या किया? द्वैत के अभाव को सिद्ध कर दिया। और अद्वैत भी भाव को सिद्ध कर ले, आप कह रहे पूर्व पक्षी कह रहा है कि कोई प्रमाण आपके पास नहीं है, एक कुछ क्षण के लिए मान भी लू मैं कि अद्वैत को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण मेरे पास नहीं, इतने मात्र से शून्यवाद कैसे सिद्ध हो जाएगा? उसको कौन सिद्ध करेगा? शास्त्र सिद्ध नहीं करेगा कि शास्त्र द्वैत भाव सिद्ध कर दिया और कोई दूसरे प्रमाण है नहीं, आप खुद कह रहे हो अतएव अद्वैत सिद्ध नहीं होगा कह रहे हो, तो शून्यवाद कौन सिद्ध किया? ये कहां से टपक जाएगा? कोई अप्रमाणिक मानना पड़ेगा उसको भी, फिर अप्रमाणिक शून्यवाद को हम कैसे मान सकते हैं? रज्ज्वाम आरोपित सर्पादेर रज्जु अधिष्ठान, आंधगिरी पहला पंक्ति से लेकर न अप्रमाणिक शून्यवाद युक्त, अप्रमाणिक शून्यवाद को स्थापित कर दिया ऐसा का कहना उचित नहीं है। किंतु यथा रज्ज्वाम आरोपित सर्पादे रज्जु अधिष्ठानम, रज्जु में आरोपित सर्पदा सर्पादियों का रज्जु अधिष्ठान होता है, इसी प्रकार से नहीं निर्दिष्टानो ब्रह्मोस्ति कि निर्दिष्टान कोई भ्रम नहीं हो सकता। तो द्वैत रूपी जो भ्रम है इस भ्रम का वास्तविकता अभाव जो है सिद्ध कौन किया? शास्त्र सिद्ध किया। तो कोई ना कोई अधिष्ठान में तो मानना पड़ेगा ना उसके अभाव सिद्धि, कहीं ना कहीं सर्प दिखा था और उसको नायम सर्प पकड़ के आप जो निषेध करोगे तो किसी अधिष्ठान में तो निषेध करोगे और वह अधिष्ठान आपको मानना ही पड़ेगा। तथा द्वैत कल्पनाया निर्दिष्टान तयोगा, इसी प्रकार द्वैत की जो कल्पना हुई है वह निर्दिष्टान हो नहीं सकता। तदिष्ठान अद्वैतम आस्थ्यम, इसे तदिष्ठान रूपेण अद्वैत विभाव पदार्थ को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगी। यदि ओंकार प्रकरण प्रहृतम इदत, यह बात हम पहले ही पहला ही मंत्र से शुरू करते सिद्ध कर चुके हैं। अभिधान अभिधेय का अभेद करता हुआ हमने ओंकार का प्रकरण में परिहार कर चुका हूं। रज्जु इसे के निरास्पद तो अनुपत्ति रज्जु सर्पादि विकल्पना यहाँ सिद्धांत सर्ग न, क्यों रज्जु सर्पादि विकल्पना यहाँ निरास्पद अनुपत्ति प्रत्युक्तम में तत् कथम उज्जीवयसी त्याह। रज्जु सर्पादि विकल्पनाओं का समान ये भी होने से जिस प्रकार रज्जु सर्पादि की रज्जु में कल्पित सर्पादियों की कल्पनाएं बिना कोई अधिष्ठान का होता नहीं है, उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार यह द्वैत रूपी जो भी कल्पना है यह भी बिना किसी अधिष्ठान का हो नहीं सकता। यह बात हमें पहले ही तुम्हारी शंका का खंडन कर चुका हूं। दोबारा क्यों तुम उसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हो? कथम पुनः उज्जीवयसी, वो गड़ा मुर्दे को उखाड़ करके जिंदा करने क्यों कोशिश कर रहा बेफालतू? बार बार वही शंका वही शंका वही शंका, दिमाग खा रहा है फालतू की। तब कहते महाराज अंतर है, पहले हमने ये सोचा था शायद आप रज्जु को मानते हैं, एक व्यावहारिक सत्ता है रज्जु नाम की वस्तु है, वहां सर्प को देखा था, सर्प भ्रांति है,
अब आपने क्या कह दिया, सारा जगत द्वैत द्वैत ही नहीं है। जब द्वैत ही नहीं है तो द्वैत में तो रज्जु है ना, तुम्हारा दृष्टांत ही भंग हो गया। क्यों? सर्प भी भ्रांति है, रज्जु भी भ्रांति है, फिर कौन सा सत्य रहा? अधिष्ठान कहा रहेगा सत्य को ही। ये दृष्टांत आप दिखाना चाहते थे ना कि सर्प भ्रांति है, रज्जु सत्य है। अब आपने इस कारिका में जो कह दिया नचोत्पत्ति निज निरोधो इत्यादि से ये सिद्ध कर दिया द्वैत ही नहीं है। जब द्वैत ही प्रपंच ही नहीं है तो रज्जु कहां से आ जाएगा आपके पास दृष्टांत? ये रज्जु सर्प दृष्टांत कहां से पकड़ के लाए आप जब द्वैत ही नहीं है? अरे दृष्टांत ही नहीं आपके पास। ये बात को सिद्ध करने कि प्रत्येक भ्रांति साधिष्ठान होता है, ये कहां सिद्ध करोगे आप? अद्वैत सिद्ध नहीं करना है तो सिद्ध करने अभी तो अभी मालूम ही नहीं अद्वैत के बारे में क्या हो रहा हो। और जो मालूम दिख रहा था अद्वैत, इसको तो आपने खत्म कर दिया, अब दृष्टांत कहां से लाएंगे? क्या मानना पड़ेगा? नहीं नहीं मानना पड़ेगा। देखो जवाब देंगे, माना नहीं पड़ेगा। अब उसको ऐसे फंसाएंगे ना तब समझ में आएगी वास्तव में क्या चीज कहना चाह रहे हैं ना। अजातवाद आसान नहीं है पकड़ना। रज्जुरपि सर्प विकल्पनस्य विकल्पस्य आस्पद भूता विकल्पिता एव इति दृष्टांतरपत्ति। क्योंकि आपके मनुष्य के अनुसार सर्प विकल्प का आस्पद भूता मैंने अधिष्ठान भूता रज्जुरपि विकल्पिता एव। रज्जु भी क्या है? विकल्प नहीं है। यदि ऐसा मान लिया आपने फिर तो दृष्टांत अनुपत्ति से फिर दृष्टांत ही उपपन्न नहीं हो सकता। कि संपूर्ण विश्व जब कल्पित है तो विश्व के अंतर्वर्ती रज्जु है वो भी कल्पित है। रज्जु सर्प को आप दृष्टांत बना करके विश्व कल्पना को मिथ्या कैसे सिद्ध करोगे? इदम विश्वम मिथ्या कल्पितत्वात् रज्जु सर्पवत् आप कैसे दृष्टांत बना? तो सिद्धांत से मत कहो विकल्पनाक्षय अविकल्पितस्य अविकल्पितत्वादेव सत्वपत्ते है। कहते ठीक है, हम आपसे पूछते हैं, आपने ये बात तो मान लिया ना, हम कैसे उसे अद्वैत बुलवाएंगे? देखो अभी, अरे आपने ये बात मान लिया, अभी सर्व भ्रम है, उसका अधिष्ठान जो रज्जु था वो भी भ्रम है मान लिया ना। जिस प्रकार से सर्व भ्रम के लिए एक अधिष्ठान आपने माना था वह ब्रह्म होने के बाद उसका भी तो कोई अधिष्ठान मानना पड़ेगा, मानोगे कि नहीं मानोगे? वो भी ब्रह्म है मान लो, उसका भी तो कोई अधिष्ठान होगा। ऐसे करते 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 ये धारा जब चले विकल्पनाओं का, वो भी विकल्पना है, वो भी विकल्पना है, वो भी विकल्पना है, सभी विकल्पनाओं को जानने वाला आप तो हो ना, आप क्या फिर? आप भी विकल्पना है क्या? ये भी विकल्पना है, इसका अधिष्ठान ये भी विकल्पना है, उसका भी अधिष्ठान ये भी विकल्पना है, उसका भी अधिष्ठान वो भी विकल्पना है, ऐसे कहने वाला कौन है आप? आप ही तो अद्वैत हो, सकल कल्पनाओं का साक्षी, सकल कल्पनाओं का अधिष्ठान आप है। आप विकल्पना नहीं है, आप अविकल्पित है। वही कह रहे विकल्पनाक्षय, यदि विकल्पना की धारा भी मान ली जाए कहीं ना कहीं जब उसको क्षय मानना पड़ेगा ना, अंत माननी पड़ेगी। विकल्पना का कहीं ना कहीं अंत मानना ही पड़ेगा। उस अंत जहां आप अंत मान रहे हो वह अविकल्पितस्य अनारोपित स्वरूपस्य अविकल्पितत्वादि सत्यपति वो अविकल्पित होने के नाते है उसके सत्व आपको माननी ही पड़ेगी। समझ सम्मत से दृष्टांतता यदि अनियमाद प्रसिद्धि मात्रेण परम प्रतिबोध न संभवाद भ्रमबाधे परिशिष्यमाण से अवधेह सत्यताया रज्ज्वादो दृष्टत्वाद द्वैत ब्रह्मवाद साक्ष्यतया स्मृतश्चैतन्यस्य अकल्पितत्वादेव सत्वात् न शून्यता प्रसिद्धि उत्तरम वाह नित्यादिना है ना। ये कोई जरूरी हमेशा स्वमत में सम्मत को ही हम दृष्टांत बनावे इति अनियमात प्रसिद्धि मात्र से हो सकती है। ये कोई जरूरी कि हम हमारे मत में जो स्वीकृत हो उसी को हम दृष्टांत बनाए, या उभय मत में स्वीकृत हो तो दृष्टांत बनाना चाहिए यह भी जरूरी, या परमत में स्वीकृत हो उसका दृष्टांत बनाना चाहिए यह भी जरूरी। प्रसिद्धि मात्र को लेकर आप दृष्टांत बना सकते। अज्ञानियों में प्रसिद्ध दृष्टांत क्या है? रज्जु सर्प, उसको दृष्टांत मत विसिद्ध कर देंगे। एक पक्ष तो यह है। परम प्रबोधन संभवत पर अगला आदमी को बोध कराना संभव है,
एक पक्ष। दूसरा भ्रम बाधे परिशिष्यमान से अवधे सत्यताया, कि भ्रम का बाध होने पर जो परिशिष्यमान वस्तु है वह अवधिभूता वस्तु में सत्यता आप देखते ही हैं रज्जुवादियों में दृष्टत्वात्। इसी प्रकार से जो द्वैतात्मक जगत दिख रहा है द्वैत भ्रम, इसका बाध का कोई ना कोई अवधि होगा, वह अवधिभूत वस्तु साक्षी है, उस बाध का साक्षी है। इसे कहते द्वैत भ्रम बाध साक्षितया स्वरत चैतन्य से, स्वर्ण होता हुआ जो चैतन्य का अकल्पितत्वादेव अकल्पित होने के नाते वह विद्यमान है। इति न शून्यता प्रसक्ति उत्तर महा, इस शून्यता की कोई प्रसक्ति नहीं हो सकती। अतएव तब दूसरा कहते हैं रज्जु सर्प असत्वम इति चेत् न, भाष्यकार ने कहा रज्जु सर्प के समान वह भी असत हो जाएगा, उसका अनुमान दिया अद्वैतम असत अप्रमाणिकत्वात् रज्जु सर्पवत्। अद्वैत कैसा है, अद्वैत कैसा है कहते असत, क्यों अप्रमाणिक होने से, जैसा रज्जु में देखो सर्प तब उसका भी जवाब होता है ऐसा नहीं हो सकता, तद अकल्पितत्व असिद्धिम शंकरे। इसलिए कोई कह सकता है वो अद्वैत अकल्पित नहीं है, वो भी कल्पित ही है कह दो। यदि कोई कहे जो सभी कल्पनाओं का अधिष्ठान भूत अद्वैत है, वह भी अधिष्ठान कल्पित ही मान लो, उसको भी कल्पित मान लो, अकल्पित नहीं है वो। इसे कहने का तात्पर्य क्या है, वो भी कल्पित है, अद्वैत असत्य है। अप्रमाणिकत्व का मतलब कल्पितत्व, क्योंकि अद्वैत भी कल्पित है ऐसे पूर्वज कहना चाहता है अनुमान करके, जैसा रज्जु में सर्प कल्पित था वैसे इतने न वो भी नहीं हो सकता। इति क्यों, एकांतेन अविकल्पितत्वाद अविकल्पित रज्जवंश वत् प्राक सर्पाभाव विज्ञान, क्योंकि एकांतेन अविकल्पितत्वाद कारण यह वह अद्वैत तत्व जो अधिष्ठान है वह एकांतेन अविकल्पित है, नियमित रूप से अविकल्पित, उसको कोई भी कल्पित करके सिद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि यदि वो कल्पित है आप कहते हो तो हम उसे पूछेंगे किस अधिष्ठान में कल्पित है, सारा अद्वैत या अद्वैत में कल्पित है, और अद्वैत में भी कल्पित यदि कहते हो फिर हम आपसे पूछे अद्वैत का अधिष्ठान क्या है, अविकल्पित एकांतेन अविकल्पित नियमित रूपेण वह अविकल्पित ही है। तो ये विकल्प में ही रज्जु का सामान्य कल्पित सर्प के साथ तादात्म्य होकर भासता है, नियम ही है प्राक अविकल्पित रज्जुवंशवत् प्राक सर्पाभाव विज्ञान, सर्पाभाव का विज्ञान से पहले भी प्राक मैंने क्या पहले, किसके पहले सर्पाभाव विज्ञान, सर्पाभाव का विज्ञान से पहले ही माने सर्प ज्ञान काल में भी रज्जु का अंश विद्यमान है, उस रज्जुवंश को ही आप क्या बोलते हो अयम शब्द से। हर एक भ्रांति में अधिष्ठान का क्या होता है, सामान्य अंश होता है, अधिष्ठान का सामान्य अंश प्रत्येक भ्रांति में जुड़ा हुआ रहता है। इदम रजतम इदम क्या है शुक्ति का अंश है, अयम सर्प हमें रज्जु का अंश अयम से आप बोल रहे हो, लिंग व्यत्यास होता है वस्तु के आधार पर जो भ्रांति का विषय है, कहीं आप बोलो कि इदम बोलो कि यम बोलोगे, माने अधिष्ठान का अंश भ्रम काल में भी है, भ्रम काल में भी अधिष्ठान का अंश सामान्य अंश प्रतीत हो रहा है। ये मत कहो इसीलिए भ्रम काल में अधिष्ठान नहीं रहता है, ब्रह्म काल में भी अधिष्ठान भाषित हो रहा है। इसे सर्पा भाव विज्ञानात प्राप्त नायम सर्प जब बोलोगे ना उसे पहले, नायम सर्प बोलने का मतलब सर्पा भाव का विज्ञान होना, इससे पहले भी अयम सर्प इस ज्ञान काल में भी ब्रह्म काल में भी रज्जुवंश के समान यह चैतन्य विद्यमान है, अव्यभिचारी है, इसका मतलब अद्वैत अव्यभिचारी है। इसलिए एकांतेना, क्योंकि सर्प ब्रह्म काल में भी रज्जु है, सर्प अभाव काल में भी रज्जु है, तो एकांत में विद्यमान वस्तु कौन हुआ रज्जु, और व्यभिचारी कौन है सर्प। उसी प्रकार द्वैत ब्रह्म में भी समझो,
एकांतेन विद्यमान वस्तु अविकल्पितत्वेन विद्यमान वस्तु, क्योंकि अविकल्पित का मतलब क्या हो गया, विचारी जो विकल्पित व्यभिचारी है, जो अविकल्पित अव्यभिचारी एकांत में विद्यमान है, ऐसी कौन चीज है? सभी में घटसन पटसन मटसन बोलते अस्थि 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 अस्थि, नास्ति में भी अस्थि 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 है। ये जो अस्थि का अनुस्यूतता हम देख रहे प्रत्येक ज्ञान में, प्रत्येक भ्रम ज्ञान में, घटो अस्थि भ्रम ज्ञान, मठो अस्थि भ्रम ज्ञान है, अहम अस्मि भी भ्रम ज्ञान है, सब भ्रांति है। अहम देवदत्तो अस्मि एक भ्रांति, इसमें जो अस्मि अंश है वो क्या है? वो अद्वैत का अंश है। जब हम देवता देवतांश को आप बाधित कर दोगे, हम देवता नास्मी कहोगे, उस समय में भी वो अस्मि रूपेण विद्यमान है। इसलिए सदा विद्यमान वस्तु कौन हुआ? अद्वैत हुआ। विकल्प ही तुष्ट प्राग विकल्प न उत्पत्ति है सिद्धत्व भगमात असत्व अनुपत्ति, क्योंकि विकल्पना करने वाला विकल्प हेतु वह सामान्य रूप सामान्य अंश रूप से कल्पित नहीं है, केवल उसका तादात्म्य संसर्ग ही कल्पित है। क्योंकि कारण क्या है वहां, फिर आप पूछ सकते हो ना, अयम सर्प में अयम का सर्प के संबंध कहां से आ गया, अयम का सर्प के संबंध कैसे हो गया? तब आपको कहना पड़ता है वास्तव में संबंध नहीं होता है, वो सामान्य अंश का ब्रह्म पदार्थ के साथ में कोई वास्तविक संबंध नहीं, तादात्म्य भ्रम है केवल। अधिष्ठान के साथ जिस रज्जु के साथ सर्प का तादात्म्य भ्रांति हो गई है, जब तादात्म्य भ्रांति होने के कारण से हम अयम जो सामान्य अंश है उसको सर्प में विशेष भ्रांति के साथ जोड़ देते हैं। ये समझाए देखिए आनंद गिरिकार कह रहे हैं, नायम सर्पो रज्जु रेशा इति सर्पाभाव ज्ञान पूर्वक पुरोवर्ती रज्जुत्व निश्चयात् प्राग अवस्थायाम। नायम सर्प ये सांप नहीं है, ये रसी है, इस पर सर्पाभाव के ज्ञान के पहले पुरोवर्ती रज्जुत्व निश्चय से पहले अवस्था में क्या हुआ? प्रामाणिकत्व भाव अपि, यद्यपि प्रामाणिकत्व सिद्ध नहीं हो सकता, रज्जु सिद्ध हो जाएगा क्या? जब सर्प दिख रहा है तब रज्जु प्रामाणिक है क्या? जब तक सर्प दिखता है तब तक प्रामाणिक कौन है? सर्व ही प्रामाणिक है, रज्जु नहीं है। लेकिन फिर भी वो रज्जु नहीं है भी मत नहीं कहना। अयम सर्प से ज्ञान काल में, मतलब सर्पाभाव ज्ञान से पहले अयम सर्प से ज्ञान काल में रज्जु यद्यपि अप्रामाणिक है किंतु रज्जु असत्य है ये भी नहीं कहना, क्योंकि असत का भी अधिष्ठान नहीं हो सकता, किंतु रज्जु है भाषित नहीं होता इतना बात। इन भाषित भी किस अंश में हो रहे? सामान्य अंश भाषित होता है, उसका विशेषांश भाषित नहीं होता है, इसी कारण से तो भ्रांति होगी। यदि विशेषांश भाषित हो जाए तो भ्रांति होगी ही नहीं, या नहीं? अधिष्ठान का सामान्य अंश के साथ में विशेषांश भाषित हो जाता है तो भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। विशेषांश भाषित नहीं हुआ तब किंतु वह सामान्य अंश के साथ में वह भ्रांत पदार्थ तादात्म्य भाषित होने से हम कहते हैं इस समय में जो रज्जु का भान नहीं हो रहा है सर्प का भान हुआ। जब तक रज्जु का भान नहीं हुआ तब तक प्रमाण का विषय नहीं रहा रज्जु, अतएव अप्रमाणिक रज्जु, किंतु रज्जु असत भी नहीं है, यह दिखाना चाह रहे हैं। इसी तरह से जब हमें द्वैत प्रपंच दिख रहा है, जब हमको यह द्वैत दिखाई दे रहा है उस समय में भी अद्वैत है, उस समय भी क्या है? अद्वैत है। उस अद्वैत की सामान्य अंश से तादात्म्य करके द्वैत भ्रम को हम देख रहे हैं, नहीं तो द्वैत भ्रम दिखेगा ही नहीं आपको कहीं भी। इसलिए इनका कहना है प्रामाणिकत्व भावे भी सन एव अज्ञातो रज्जुअंशो अभिगम्यते है, विद्यमान होते हुए ही वह अज्ञात होकर रज्जुअंश हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तथा सदैव प्रामाणिकत्व भावेपि सन्नेव आत्मा भविष्यति, सदैव प्रामाणिकत्व न रहने पर भी वह सत्य होते हुए विद्यमान होते हुए आत्मा सदा रहता है, यह आपको मानना ही पड़ेगा। इसको समझाते विकल्प ही तुष्ट प्राक विकल्प उत्पत्ति है सिद्धत गुम्मा, कि विकल्पना की उत्पत्ति से पहले
विकल्पना उत्पत्ति प्राक, विकल्पनाओं की उत्पत्ति से पहले विकल्प के अधिष्ठान होता आत्मा को असत करके आप कभी नहीं कह सकते, उसकी सिद्धत्व अभिगमात उसकी सिद्धत्व स्वीकार करना ही होगा। कथम पुनः स्वरूप व्यापार अभाव शास्त्र से द्वैत विज्ञान निवर्तकत्व, तब आया पूर्व पक्षी यदि ऐसा है कथम पुनः स्वरूप व्यापार अभाव शास्त्र से, शास्त्र का अपना आत्म स्वरूप में कोई व्यापार नहीं हो सकता तो द्वैत विज्ञान निवर्तकत्व कथम, फिर तो द्वैत विज्ञान के निवर्तकत्व शास्त्र में कैसे हो सकता है कि पूर्व पक्ष का मानना है ज्ञानाधिकरण आत्मा, द्वैत विज्ञान कहाँ है उसे कहना है आत्मा में है। पूर्व पक्ष कहना चाह रहा है यहां कि भाई द्वैत विज्ञान कहाँ है आत्मा में मान रहा है, आपने भी कहा सर्व कहाँ है सर्व भ्रांति रज्जु में, यद्यपि समझा चुके हैं सर्व रज्जु में भी नहीं है मन में भी नहीं है रज्जु मन उभय में भी है, नहीं है किंतु केवल आध्यासिक भ्रांति माया में विद्या में। फिर पूर्व पक्ष अपने सिद्धांत अगर पूछता है ज्ञान अधिकरण आत्मा मैं मानता हूं तो द्वैत ज्ञान का अधिकरण कौन है आत्मा, और नियम है कोई चीज को बांधना है तो समान अधिकरण होनी चाहिए तद विरोधी ज्ञान, जैसे द्वैत ज्ञान मुझे है और अद्वैत ज्ञान आपको हो जाए यहां बात हो जाएगा क्या। जिस अधिकरण में द्वैत ज्ञान है उसी अधिकरण में द्वैताभाव ज्ञान जब पैदा होगा तो द्वैत ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इसे आत्मा में यदि द्वैत ज्ञान है उसका बाध भी कहां होना चाहिए आत्मा में ही होना चाहिए। आत्मा में कैसे बात करोगे उसको कि शास्त्र व्यापार आत्मा में नहीं, आपने कहा जब शास्त्र का व्यवहार आत्मा में नहीं होता तो आत्मा विद्यमान द्वैत ज्ञान को शास्त्र कैसे नष्ट करेगा, अथवा शास्त्र से आत्मा में विद्यमान द्वैत ज्ञान का नष्ट न होने से कभी अद्वैत अनुभूति हो ही नहीं सकती। नैष दोष तो सिद्धांत ऐसे मत कहो, आंधी देख लो इसी पंक्ति की आत्मनो द्वैत भ्रमाधिष्ठान संभावितत्वात् बाद साक्षित्वेन प्रशिष्टत्वात् पूर्वं ब्रह्मोत्पत्ते है स्वतः सिद्धत्वात् च प्रमाण अविषयत्वेपि नास्ति शून्यता इत्युक्तम्। आपने यह बात कहा है देखिए अभी तक जो कहा सब संग्रह कर दिया उन्होंने, आत्मा द्वैत भ्रम का अधिष्ठान यह आपने निश्चय कर दिया और बाद का साक्षित्वेन परिशेषतः बचता कौन है आत्मा परिशिष्टत्वात् पूर्व ब्रह्मोत्पत्ति स्वतः सिद्धत्वाच्च और ब्रह्मोत्पत्ति से पहले से ही वह स्वतः सिद्ध होने के नाते भले ही प्रमाण का विषय नहीं है प्रमाण अविषयत्व भी हमारे इंद्रियों के प्रमाण का विषय नहीं होता है ब्रह्म काल में फिर भी नास्त शून्यता शून्यवाद खड़ा नहीं होता यह बात आपने कह दिया। इदानीम अब क्या कहना चाह रहे हम प्रमिते धर्मिणी प्रतिषेध दर्शनात् आत्मनो अप्रमितत्वे तत्र द्वैताभाव प्रमापकम शास्त्रम अयुक्तम इति शंकते। किस लोक में देखने को मिलता है प्रमाण सिद्ध एक धर्मी है उसी में कोई भ्रम हुआ उस भ्रम का निवारण करना हम उसी अधिष्ठान में बात करते हैं। जब रज्जु का ज्ञान होता है प्रमिते धर्मिणी धर्मी कौन है रज्जु जिस सर्वरूपी धर्म का भ्रांति हो रखा है जिस क्षण हमको रज्जु का ज्ञान हो गया तब क्या होगा उस समय सर्व का परिच्छेद देखने को मिलता है प्रमिते धर्मिणी प्रतिषेध दर्शनात् तब क्या होगा नायम सर्प प्रतिषेध हो जाएगा। ऐसा रज्जु ये क्या है रज्जु है इसको कहते हैं प्रमिते धर्मिणी यह रज्जु करके जब आपको प्रमित हो गया तब प्रतिषेध हो गया नायम सर्प देखने को मिला आत्मनो अप्रमितत्वे लेकिन आत्मा किसी प्रमाण का विषय नहीं होता जिसमें सब भ्रम हो रहा आप कह रहे हो उसको कभी कोई प्रत्यक्ष नहीं या अनुमान है किसी से भी प्रमाण से ग्रहण नहीं कर सकता आत्मा को और जब तक अधिष्ठान का ग्रहण नहीं होता तब तक भ्रम का बाध नहीं हो सकता है। लेकिन आपके यहां जो अधिष्ठान आत्मा है इसका कोई भी किसी भी प्रमाण से अनुभव जब नहीं कर सकता तो वहां द्वैत का बाध कैसे करेगा शास्त्र प्रवेश कैसे करेगा वहां व्यवहार कैसे होगा आत्मा में कि अभी आपने कहा है शास्त्र में त्रिपुटी होता है शास्ता शिष्य और शास्त्र में त्रिपुटी है वह द्वैतात्मक है और अद्वैत तो संभव नहीं है प्रसव विरोधात्
इसलिए कहते हैं ऐसी स्थिति में द्वैत का अभाव का प्रमापक शास्त्र यह आप जो कह रहे हो वो उचित नहीं है। ये नैष दोष रज्ज्वाम सर्पादिवत आत्मनि द्वैत से विद्या अध्यस्तत्वात्, वास्तव में आत्मा में द्वैत नहीं है, इसलिए हमें आत्मा को आत्मा में आत्मा का ज्ञान पूर्वक द्वैत को बांधने की जरूरत नहीं है। रज्जु ज्ञान पूर्वक सर्प को बांधना जरूरी है क्योंकि सर्प हमने रज्जु में देखा, इन उस प्रकार से यहां समझना नहीं आत्मा में मैं द्वैत को देख रहा हूं। ये शुरू में समझाने के लिए से कह दिया जाता है, इन सच्चाई में आत्मा द्वैत का अधिष्ठान नहीं है। आत्मा को आवृत करके अविद्या को द्वैत दिखा देती है। आत्मा को आवृत किया किसने? अविद्या ने। रज्जु में सर्पादि के समान आत्मा में द्वैतस्य अविद्या अध्यस्तत्व, अविद्या के अध्यास कर दिया गया है। अरे कैसे आपको पता चला? आत्मा में अविद्या ने इस द्वैत को अध्यास मात्र से दिखा दे रही है, वास्तव में नहीं है, ये कैसे जाना आपने? कदे सुखी अहम, दुखी अहम, मूढ़ो अहम, जातो अहम, मृतो अहम, जीर्णो अहम, देहवान पश्यामि, शृणोमि, व्यक्तो अव्यक्तः, कर्ता फली, संयुक्तो वियुक्तः, क्षीणो वृद्धोहम, ममैते इत्यम्माद्य सर्व आत्मनि अध्यारोप्यन्ते। ये सारी चीजें आत्मा में अविद्या अध्यारोप कर दे रही है। मैं सुखी हूं, ये भी आत्मा में अहम कर बोध्य आत्मा में सुखित्व अविद्या के द्वारा आरोपित मात्र ही है। इधर अहम बोध्य आत्मा में दुखित्व भी अविद्या के द्वारा आरोपित मात्र ही है। सुखित्व दुखित्व मूढ़त्व प्रतिपन्ने धर्म ने प्रतिषेधात् प्रमिते प्रतिषेध से विशेषण वैकल्यादेव अनुपगमाद आत्मस्य सर्वकल्पनासु अधिष्ठानाकारेण स्मृणंगीकरणात् तस्मिन् प्रतिपन्ने द्वैत प्रषेध संभवती परिहरति। कहते वास्तव में यह सिद्धांत मान रहे हैं प्रतिपन्ने धर्मणी, जिस धर्मी का ज्ञान होने पर प्रच्छेदात प्रच्छेद होता है तो प्रमिते प्रच्छेदस्य, और उस प्रच्छेद का प्रमित हो जाने पर प्रतिपन्न मने सिद्धे, अंतर थोड़ा कर रहे, पूर्व पक्ष ने कहा प्रमित मने ज्ञाते, ज्ञान होना चाहिए, रज्जु का ज्ञान होने पर ही सर्प का बाध होता है ना, लेकिन अब हम उसको अंतर कर रहे, प्रमिते नहीं प्रतिपन्ने, प्रतिपन्न मने सिद्धे, किसी भी प्रकार से सिद्ध होनी चाहिए, भले आपको अनुभव में आवे नहीं आवे लेकिन सिद्ध हो, तो फिर उस सिद्ध वस्तु का ज्ञान से काम चल जाएगा। उस सिद्ध वस्तु ऐसे प्रतिपन्ने धर्मिणी, चार नंबर टिप्पणी, इसलिए प्रतिपन्न सिद्धे सिद्धत्व प्रत्यक्षादिना स्वप्रकाशत्व इति अनाग्रह, वो भी प्रत्यक्षादि से भी हो सकती है कि यह साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म तो साक्षात अप्रोक्ष है, किसी भी इंद्रियादि प्रमाणों के बिना ही अप्रोक्ष है, नित्य अप्रोक्ष है, नित्योपलब्धि स्वरूप हम आत्मा, ऐसे मान लो, अथवा उसे स्वप्रकाश सिद्ध है स्वप्रादि में, उसके आधार पर आत्मा सिद्ध है जिसके प्रकाश से ये सब द्वैत रूप भ्रांति प्रकाशित हो रहा है, उसके सिद्ध होने पर प्रतिषेधात प्रमिते प्रतिषेधस्य विशेषण वैकल्यात् एव अनभ्युमात्, विशेषण की वैकल्यता स्वीकार अभाव को स्वीकार न करने से आत्मस्य सर्वकल्पनासु अधिष्ठानाकरण स्फुरणंगीकारात्, और आत्मा जो है सकल कल्पनाओं में अधिष्ठान रूपेण स्फुरण होता है ऐसा स्वीकार करने से तस्मिन् प्रतिपन्ने, ऐसा उस आत्मा का सिद्ध मानने पर द्वैत प्रतिषेध संभव है, इस बात को मन में रख करके नैष दोष इत्यादि कह दिया गया। कोई कह सकता है ब्रह्म में भी अहम अहम साथ में जुड़ रहा है ना, अहम सुखी अहम दुखी, तो आत्मा भी भ्रांति में जुड़ गया, भ्रांति का ही अंश हो गया, हिस्सा हो रहा है, वो भी कल्पना का कोटि में आ जाएगा। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वह सब प्रकाश होने से ऐसा नहीं हो सकता, सब प्रकाश स्वतो निर्विकल्पक स्मरणे भी सविकल्पक व्यवहारे समारोपित संसृष्टा कारण ब्रह्मविशत्वम अवरुद्धम,
हम क्यों घुस गया वो भी बता रहे हैं। अध्यस्त कैसे हो गया? स्वप्रकाश होने से। स्वतः यदि भी निर्विकल्पक स्फुरण है वो, फिर भी प्रत्येक से विकल्पक व्यवहार में, प्रत्येक सविकल्पक जो व्यवहार हो रहा है, माने आविद्यक अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि जो व्यवहार है, इन सकल व्यवहारों को सविकल्प व्यवहार कहा जाता है। इन व्यवहारों पे समारोपित संसृष्ट आकारेण, समारोपित मैंने अध्यस्त, जो तादात्म्य संबंध को लेकर के, अभी तादात्म्य भी अविद्या विशिष्टत्व नहीं, तादात्म्य तो संबंध मानना पड़ेगा, ब्रह्म विषयत्वम अवृद्धम, इसलिए तादृश आत्मा को ब्रह्म का विषय भी मान लोगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए वहां भी तीन आत्मा माना पंचदशी में समझाते वक्त, गौण आत्मा है कि नहीं, मुख्य आत्मा और मिथ्या आत्मा, तीन है। गौण आत्मा अलग है, मिथ्या आत्मा अलग है, मुख्य आत्मा, मुख्य आत्मा में अहम ब्रह्मास्मि, गौण आत्मा पुत्रादि को आत्मा, मिथ्या तो शरीरादि को आत्मा मानना, तीन लिया उन्होंने, वही अहम अहम को लेकर के ही है। आत्मा तीन मना अहम तीन, आत्मा ही आत्मा कदी, इसलिए आत्मा एतेषु अनुगत सर्वत्र व्यभिचारा, क्योंकि आत्मा जो है इन सकल व्यवहारों में अनुगत है। पहले समझाने यही कहना पड़ता है, सभी चित्रों में पट है, इन सच्चाई क्या है, पट में सभी चित्र है ना, पट में सारा चित्र कल्पित है। लेकिन समझाने के लिए शुरू में कहना क्या पड़ेगा, हर एक चित्र में कपड़ा है, समझाया था, हर एक में आत्मा है, कण कण में आत्मा है, ये समझाने के लिए एक स्तर है, एक सीढ़ी है। सच्चाई क्या है, आत्मा में सब कल्पित है, ना हम तेषु ते मई, आया था गीता में, मैं इनमें नहीं हूं वास्तव में, ये सब मुझ में कल्पित है। लेकिन समझाने के लिए आदमी को ऊपर उठाना है, मंदिर में भगवान है कहना पड़ता है, सभी में भी नहीं, मंदिर में है केवल, वहां जाओ मत्था टेको, यात्रा कर दे ढिंडी यात्रा, अरे पंडरपुर में जाएंगे वहीं भगवान है, और कहीं है नहीं भगवान, विट्ठल कहीं नहीं है, वहीं है। क्या अगर मूड बुद्धि वालों को करना पड़ता है, हाँ भागो भागो दौड़ो, तपस्या तो करो, बद्रीनाथ जाओ केदारनाथ जाओ, चढ़ो 16 किलोमीटर तपस्या तो करो, तीर्थ यात्रा अधमा अधमा कहा ना, इसीलिए तो जो स्थिति है ना, वो जैसा आदमी की स्थिति पर डिपेंड है, साधना साधक के ऊपर कह दिया जाता है कि सभी में आत्मा है, इसे सकल भ्रांतियों में आत्मा है, समस्त द्वैत रूप भ्रांति में आप नहीं करे आत्मा, एतेषु एतेषु मने भ्रांतिषु, इन सभी भ्रांतियों में सर्वत्र अव्यभिचाराद अनुगत है, इन सकल भ्रांति में अनुगत है, क्योंकि सर्वत्र विचारात, क्योंकि कहीं भी उसका व्यभिचार नहीं होता, जैसे सभी चित्रों में कपड़ा है, क्योंकि कपड़े का व्यभिचार कहीं नहीं होता, चित्र का व्यभिचार है, राजा यहां बैठ रहा है और इधर नहीं है, राजा नहीं है उधर बगल में, उधर तो मंत्री बैठा हुआ दिख रहा है, इधर कोई प्रजा बैठा हुआ दिख रहा है, एक लंबा चौड़ा कपड़े विद्यमान चित्रों में, चित्रों का परस्पर व्यभिचार है, किंतु कहीं कपड़े का व्यभिचार नहीं मिलेगा। इसे वो कहना पड़ता है, कपड़े का कहीं व्यभिचार, अधिष्ठान में कपड़े का कहीं व्यभिचार ना होने से सकल चित्रों में कपड़ा है, पहले समझाने के लिए समझाना पड़ता है, फिर कहें जिसलिए सकल चित्रों में कपड़ा है, अर्थात यह सिद्ध हो गया कपड़े में ही सकल चित्र है, कपड़े में ही सकल चित्र कल्पित है, उसी और ले जाने की बात कही जा रही है, आत्मा सभी द्वैत रूपी कल्पना में अनुस्यूत है, कि सर्वत्र व्यभिचारी होने से, जिसलिए वो सर्वत्र व्यभिचारी है, इसलिए हम मानना पड़ जाएगा अब कि आत्मा रूपी सर्वत्र व्यभिचारी में ही सकल कल्पना है, सकल द्वैत रूप भ्रांति विद्यमान है, इसी का आध्यात्मिक संबंध अविद्या ने कर दिया है, जिसकी वजह से आप बोल देते हो अहम सुखी, नहीं तो आपको कहना चाहिए था मनो मन सुखी, मन सुखी है मन दुखी है, मैं तो साक्षी हूं अलग हूं, अहम उसे जुड़ना नहीं चाहिए था, अहम साक्षित्वेन पश्यामि, किम पश्यामि मन सुखी थी, ऐसा बोलना चाहिए था, है ना, अहम सुखी बोल दिया, यह आध्यात्मिक संबंध को लेकर, यथा सर्पधारादि भेदेषु रज्जु,
जैसे सर्प धारा आदि सगल भेदों में रज्जु व्याप्त है, सर्प में, धारा में, भू छिद्र में, दंड में, जो भी आप देखोगे उस रज्जु में, वास्तव में सगल भ्रांतियों में रज्जु व्याप्त है। यथा यदा चैवम विशेष स्वरूप प्रत्यय सिद्धत्वात् न कर्तव्यत्वं शास्त्रेण। इसीलिए जब इस पर जो विशेष का स्वरूप है, विशेष स्वरूप प्रत्यय विशेष कौन है, अहम सुखी, अहम में सुख ज्ञाता विशेषण है ना, सुख विशेषण है, तद्वान अहम, वो अहम विशेष है, उस विशेष के स्वरूप का ज्ञान पहले से स्वतः सिद्ध सर्वत्र अभिविचारादेव स्वप्रकाशत्वादेव, उसी के प्रकाश से प्रकाश तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वेद विभाति, यमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वेद विभाति। इसे जो विशेष स्वरूप का प्रत्येक सिद्ध होने के कारण से न कर्तृत्वम शास्त्र न, उस अद्वैत को आत्मा को सिद्ध करने के लिए शास्त्र के अंदर कुछ भी वास्तव में कर्तव्य ही नहीं है, और नियम है, वैसे भी शास्त्र कभी कारक नहीं होता है, शास्त्र केवल ज्ञापक होता है। इसे अकृत कर्तृच शास्त्र कृतानुकारित्व अप्रमाण स्यात्। अकृत कर्तृ मैंने अज्ञात ज्ञापक, देखो नीचे दिया, अज्ञात का ज्ञापन करना ही केवल काम है शास्त्र का। कृत अनुकारित्वे अप्रमाणम, और सिद्ध का यदि अनुवाद कर दे तो अप्रमाणिक मानी जाती है। सिद्ध का अनुवाद, जैसे दृष्टांत किया सिद्ध का अनुवाद में, ऐसा भी वेद मंत्र है जो सिद्धों का सिद्ध वस्तु लोक सिद्ध वस्तु का अनुवाद किया, जैसे अग्निर्हिमस्य भेषजम, अग्नि क्या है, ठंडी का सबसे बढ़िया दवाई है, एक कहने की जरूरत है क्या, वेद कहेगा तब होगा क्या, वेदों ने कहा है इसीलिए अग्नि ठंडी की दवाई है, ऐसा नहीं है। जब वेदों को पढ़ा नहीं और गंवार भी जानता है अग्नि जो है ठंडी की दवाई है, कौन नहीं जानता इस दुनिया में। इसे लोक सिद्ध का अनुवाद जब किया जाता है उसको हम प्रमाण नहीं मानते, फिर ऐसा अप्रमाणिक वाक्य क्यों आया वेद में, कहते वो अर्थवाद, हम उसको कहते हैं अर्थवाद। अर्थवाद से तीन प्रकार का मानना, गुणानुवाद, अनुवाद रूपी अर्थवाद और भूतार्थवाद, ये अनुवाद रूपी अर्थवादों में आ गया। इसलिए श्रुति लोक सिद्ध वस्तुओं को भी अनुवाद करती है ताकि किसी अन्य की स्तुति करने के लिए या निंदा करने के लिए, दो में एक होगा, और उनको भी किसी स्तुति या निंदा की जाएगी जो विधेय है या निषेध ना, विधेय का स्तुति और विधेय का स्तुति करने के लिए लोक सिद्ध का अनुवाद किया जाता है, या निषेध का निंदा करने के लिए भी लोक सिद्ध का अनुवाद किया जाता है, लोक में सुप्रसिद्ध का अनुवाद इसी दृष्टिकोण से किया जाता है। यह तो अविद्यारोपित सुखित्वादि विशेष प्रतिबंधादेव आत्मस्वरूप अनवस्थान स्वरूप अवस्थान चयी, इसीलिए जिसलिए अविद्या से अध्यारोपित सुखित्वादि विशेषों का प्रतिबंध से उसको प्रतिबंधित बाधित करने पर ही आत्मा का स्वरूपेण अवस्थान कथन किया, स्वरूपेण आत्मा प्रतिबंधादेव आत्मा का प्रतिबंध हो गया है। अविद्या से अध्यारोपित सुखित्वादि विशेष ज्ञानों से आत्मा का स्वरूप क्या हो गया, प्रतिबंधित हो गया। प्रतिबंधित होने से स्वरूपेण अनवस्थानम भवती, आप अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं है, इसलिए कहा गया स्वरूप अवस्थान श्रेय, आप अपने स्वरूप स्थित जो होते हैं वही श्रेय है, वही मोक्ष है। इसे अविद्याध्यारिकित्वादि विशेषों का विशेषों से प्रतिबंधित होने के कारण आत्मा अपने स्वरूप में इस समय अवस्थित नहीं है, और जब ये प्रतिबंधों को हटा दोगे, माने सुखित्वादि विशेष रूपा द्वैतात्मक जो प्रतिबंध है इसको जब हटा देंगे तब आत्मा का स्वरूप अवस्थान कहा जाता है, वही मोक्ष होता है, तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम, इसे योग सूत्रकार ने भी सूत्र स्तर का बनाया।